बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। भारतीय संस्कृति के पुरोधा गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरुदेव के सृजन सेनानियों, जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन दीप्तिमय और अर्थपूर्ण जीवन जीना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, और गुरुदेव की नवाजिशों की वजह से ही हमें ऐसा जीवन जीने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जब एक साधक, एक सेवादार, एक शिष्य गुरुदेव की आज्ञाओं में चलता है, अपने अस्तित्व को गुरुदेव की शिक्षाओं में समाहित कर लेता है, तो वह समाज, युग और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाता है। उदाहरण देना और उदाहरण बन जाना दोनों में अंतर है। जब एक साधक, एक शिष्य अपने शोणित के कण कण में गुरुदेव के हर एक वचन को समा लेता है, अपनी श्वासों में समा लेता है, तो वह जो बन जाता है उसकी कल्पना से भी परे होता है। क्या अर्जुन ने सोचा था भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका नाम भी अमर हो जाएगा? क्या आनंद ने सोचा था कि आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां उसके जीवन चरित्र की उदाहरणें देंगी? नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जो उनको मिला वह ऐसा मिला कि शायद उनकी किस्मत में भी नहीं था। ये क्या था? ये समय के पूर्ण गुरुओं की अपने शिष्यों के प्रति कृपा थी, उनकी नायाब दौलत जो उनकी करुणा की उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपी। अपनी करुणा की बरसात में समय के पूर्ण गुरुओं ने अपने शिष्यों को भिगोया। आज के समय में भी समय के पूर्ण गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपने सभी शिष्यों के प्रति, सभी सेवादारों के प्रति, सभी अनुयायियों के प्रति एक चाहत रखते हैं। क्या? सभी का जीवन श्रेष्ठ बन पाए, सभी का जीवन उत्कृष्ट बन पाए, सभी का जीवन उत्तम बन पाए। और गुरुदेव का प्रयास हम सभी के लिए है। गुरुदेव हमें उदाहरण बनाना चाहते हैं, गुरुदेव हमें नायाब बनाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब हमारे चरित्र से, हमारे आचरण से गुरुदेव की शिक्षाएं झलकेंगी। जैसे संगीतज्ञ के आचरण से संगीत झलकता है, एक खिलाड़ी के चरित्र से खेल झलकता है, हमें भी ऐसा बनना है कि हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से गुरुदेव की शिक्षाएं झंकृत हो पाए। एक बार गुरुदेव ने कहा, आप सभी नाज करोगे कि आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़े हैं। सच में आज गर्व होता है, नाज होता है कि हम ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हैं जो संस्थान स्वयं जी रहा है औरों को जीवन देने के लिए। ये जीवन है नैतिक मूल्यों से सराबोर, ये जीवन है दिव्य विचारों से सराबोर। संस्थान की हर एक गतिविधि के आयोजन के पीछे यही भाव रहता है कि संपूर्ण विश्व में शांति की किरणों का प्रचार प्रसार हो, नफरत मिटे, प्रेम की बरसात हो। और आज गर्व महसूस होता है, जहां एक तरफ प्रलय का घोर तांडव है,
वहीं हम संस्थान के साथ जुड़कर गुरुदेव की आज्ञाओं में रहकर सृजन में जी रहे हैं। हम एक ऐसे सुरक्षा घेरे में हैं जो अभेद्य है, और यह सुरक्षा का घेरा है गुरुदेव की आज्ञाएं। आपको स्मरण होगा, नूर महल कार्यक्रम था दिव्य शांति महोत्सव। मंच पर, सिंहासन पर स्वयं समय के पूर्ण गुरुदेव विराजमान, शोभायमान। मंच से एक भजन का गायन हुआ, यूना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा, मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। गुरुदेव का संदेश वे हमसे कहना चाहते हैं, क्यों परेशान है, क्यों दुखी होता है, क्यों अपनी नकारात्मक सोच की जकड़ में तू जकड़ा हुआ है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। किस प्रकार मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा, मैं ढाल बनकर प्रत्येक क्षण हर पल तेरे साथ चल रहा हूं, तेरे साथ रह रहा हूं। ढाल एक प्रकार का रक्षा कवच है। युद्ध के दौरान योद्धा दुश्मनों के वार से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं, वह ढाल वार से उसको बचा लेती है, लेकिन ढाल हर वार स्वयं पर सहती है। गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि तू मायूस मत हो, दुखी मत हो, संपूर्ण समाज की प्रत्येक खुशी, प्रत्येक प्रसन्नता, प्रत्येक सफलता तेरे कदम चूमेगी। एक बार मेरा हो जा, एक बार अपना जीवन, अपने जीवन की वलगा मुझे सौंप दे, फिर तू जो प्राप्त करेगा वो खुशियों का अनंत गगन होगा, सफलताओं का अनंत नभ होगा। वह हमसे चाहते हैं क्या ऐसा कि हम अपना जीवन उन्हें सौंप दे। और मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं ढाल बनकर, कोई भी संकट, विपरीत परिस्थिति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, वह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ढाल जैसे स्वयं अपने पर वार सहती है, गुरुदेव भी हम सभी की कमियों को, नादानियों को एक तरफ रखकर हमारे ऊपर इतनी कृपा की बरसात लुटा रहे हैं। और ये लूटेगा वही जिसकी जैसी जैसी भावना होगी, भावना का पात्र होगा, जिसका जितना समर्पण होगा। गुरुदेव कहते हैं, मैं किसी के प्रति घृणित नहीं होता, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, पक्षपात तो साधक की ही भावनाएं करती हैं। जिसकी जितनी भावना होती है वह मेरी कृपा को उतना प्राप्त कर जाता है, जिसका जितना समर्पण होता है वह मेरे प्रेम को उतना ही प्राप्त कर पाता है। अर्थात सब कुछ हमारे हाथ में है, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हमें हमारी भावनाओं का पात्र बड़ा करना होगा, हमें हमारे समर्पण को बढ़ाना होगा, हमें ऐसा बनना होगा कि हम सर्वस्व गुरुदेव के श्री चरणों में सौंप दें। हम ना रहें, हम गुरुमय हो जाएं। लेकिन गुरुदेव तो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं? गुरुदेव की यह ख्वाहिश है हमारे प्रति, क्या हमारी ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है? अगर हमारी इच्छा है, हमारी चाहत भी ऐसी है, तो मंजिल निश्चित मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें हमारी आदतों को बदलना होगा, वह आदतें जो हमें गुरुदेव का होने नहीं देती। हमें अपनी नकारात्मक सोच को बदलना होगा, वह सोच जो हमें गुरुमय नहीं होने देती। आदत किसे कहते हैं? आदत जब हमारे मन में कोई विचार पैदा होता है,
और वह विचार कर्म का रूप लेता है और हम उस कर्म को बार बार दोहराते हैं, वह हमारी आदत बन जाता है। सैमुअल स्माइल्स जो कि स्कॉटिश ऑथर, उन्होंने कहा, मानव जीवन आदतों का पुंज है। रोमन पोएट ओविड ने कहा, हैबिट्स चेंज इनटू करैक्टर, जो आदतें हैं वह चरित्र में बदल जाती हैं। विज्ञान के अनुसार हम रोजाना का जो अपना व्यवहार है, 47% हमारे रोजाना जीवन का व्यवहार हमारी आदतों पर निर्भर करता है। और जब हम एक आदत के गुलाम हो जाते हैं तो इनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें हर बुरी आदत का त्याग कर एक अच्छी आदत को अपनाना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। क्या गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी मन बुद्धि का समर्पण करना। योगानंद परमहंस जी एक अनुभव साझा करते हैं। जब वह किसी के साथ मिले तो जिस व्यक्ति के साथ मिले उस व्यक्ति ने योगानंद जी को एक चोर के बारे में बताया। उसने कहा, योगानंद जी, मैं एक चोर को मिला और चोर अपनी चोरी की आदत से बहुत परेशान था, क्योंकि अवसर मिलने पर चोरी करना उसकी आदत बन चुकी थी और वह अपनी इस आदत से छूटने के लिए उसने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। योगानंद जी कहते, मैं बहुत हैरान हुआ, हाथ कटवा दिए? तो व्यक्ति ने कहा, जी, उसने अपने इस आदत से छूटने के लिए हाथ कटवा दिए। तो योगानंद जी ने कहा कि मैंने पूछा, क्या फिर उसकी ये आदत छूट गई? तो व्यक्ति ने बोला, नहीं, आदत नहीं छूटी, फिर अवसर मिलने पर वह अपने पांव से और मुंह से वस्तुओं को उसने चुराना शुरू कर दिया, जिन वस्तुओं को वह चुरा सकता था। देखिए, एक बार आदत पड़ी, छूटी नहीं। तो ये घटना सीधा हमें संकेत करती है कि शरीर के किसी अंग को यदि कोई कटवा भी दे तो अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाता। कबीर जी का एक श्लोक है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना तो मन मरा है, ना तो माया मरी है, केवल शरीर नष्ट हुआ है। जब किसी का शरीर नष्ट हो जाता है तो उस शरीर में जो मन है वह नष्ट नहीं हुआ। जब वह अगले शरीर में जाएगा, वह जीव आत्मा अगले शरीर में जाएगी तो मन भी उसके साथ जाएगा। माया मरी ना मन मरा, माया का प्रभाव भी नहीं छूटा। माया की वजह से ही तो हम भ्रम में जी रहे हैं, ब्रह्म से दूर हैं और ब्रह्म हमें ब्रह्म लग रहा है। ये बहुत बड़ा माया का खेल चल रहा है। शरीर नष्ट हुआ, माया का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ, मन नष्ट नहीं हुआ। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, जो हमारी इच्छाएं थी, आसक्तियां थी, वह भी नहीं मरी और वह अगले शरीर में साथ गई। तो हम आसपास देखें, किसी का स्वभाव विनम्र होता है तो किसी का स्वभाव नफरत वाला भी होता है, क्रोधित भी होता है। किसी में प्रेम भावना अधिक है, किसी में त्याग भावना की प्रबलता है। यह हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्म संस्कार हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो कर्म हम कर चुके हैं, जो जीवन हम जी चुके हैं इस वक्त, उन कर्मों का हम परिणाम है। अब जो हम करेंगे हम आगे बनेंगे। तो इस वक्त वर्तमान में हमें वो करना है कि हमारे भीतर अच्छी आदतें निर्मित हो पाए। तो घटना हमें ये बताती है कि जब शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाए या शरीर पंच भौतिक तत्वों में मिल जाता है तो ये हमारा स्वभाव जो हमने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में निर्मित किया है ये आत्मा के साथ जाता है। आपके साथ एक केस स्टडी साझा करते हैं। हार्डो ट्रूट्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी
द 30 मोस्ट कन्विंसिंग केसेस ऑफ फ्री इनकार्नेशन, उसके भीतर उन्होंने एक केस स्टडी को शामिल किया। 1 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी नामक लड़की का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसने अपने वर्तमान परिवार के सदस्यों के साथ अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को साझा करना शुरू कर दिया। एक रात जब वह भोजन करने के लिए बैठी तो उसके सामने मांसाहार परोसा गया, लेकिन जैसे ही उसके सामने मांसाहार आया उसने खाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने अपने पूर्व जन्म में कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, मुझे सात्विक आहार दीजिए। पिछले जन्म में निर्मित आदत, निर्मित प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? जो हमने कर्म कर लिए हैं उन कर्मों के जो प्रभाव हैं वह प्रवृत्ति का रूप ले लेते हैं, और वह प्रवृत्ति पुनः हमें वही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो उसने सात्विक आहार को चुना। उसके पिछले जन्म की निर्मित यह प्रवृत्ति, स्वभाव, आदत ने उसे एक बुरे कर्म से बचा लिया। कोई चाहकर भी अच्छा नहीं बन पाता और कोई चाहकर बुरा नहीं बन पाता, ये इंसान के भीतर निर्मित प्रवृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो प्राणी। अर्जुन, जैसे एक इंसान पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। तो हम देखें, जब हम अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं तो हमारा शरीर वही रहता है, शरीर के भीतर मन वही रहता है, विचार वही, स्वभाव वही, प्रवृत्ति वही, आदत वही, केवल वस्त्र बदले हैं। आत्मा के साथ भी यही। जब ये पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में जाती है तो सब कुछ वही रहता है, स्वभाव भी, मन भी। सीधा सा अर्थ है, हमें स्वयं को इस बुरी प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाना होगा, नहीं तो हमारा हर जन्म इन कमियों को ही दूर करने में लग जाएगा। और ये कमियां जो हैं यही बाधित करती हैं हमारे विकास को, और यह जन्म जो हमें मिला है, हम यह जन्म अपनी इस प्रवृत्ति को बदलने में लगाएं ताकि हम गुरु में मिल पाएं। यह अवसर को खोएं मत, और यही प्रवृत्ति हमें मोक्ष भी दिलवा सकती है और बुरी प्रवृत्ति हमें पतन की गहराइयों में गिरा सकती है। तो साधको, यह जो प्रयास होगा, यह जो कर्म होगा, ये प्रवृत्ति तभी छूटेगी, बुरी आदतें तभी छूटेंगी जब हम ज्ञान रूपी तलवार से इनको काटेंगे। शरीर, इंद्रियां, और इंद्रियां कर्म करती हैं, कर्म करने की प्रेरणा पीछे इच्छा है, प्रवृत्ति है, तो हमें इनके बंधन को काटना होगा। हर इच्छा को समाप्त करने के लिए एक अच्छी इच्छा की जरूरत है, और उसके लिए अच्छे विचार का पैदा होना जरूरी है, और वह विचार केवल ध्यान साधना में ही पैदा हो सकते हैं। जो गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है, शास्त्रों ग्रंथों ने ज्ञान की तुलना तलवार के साथ की है, जैसे तलवार हर बंधन को काट देती है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी तलवार हर आसक्ति के बंधन को काटती है, हर मोह के बंधन को काटती है, काम क्रोध के बंधन को काटती है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार हिरण्यकश्यपु शिशुपाल बनकर आया, शरीर बदला, स्वभाव नहीं, प्रवृत्ति नहीं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अंबा नामक पात्र उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाने लगा, जिसका कारण भीष्म बने।
इस वजह से अंबा के भीतर बदले की भावना ने जन्म लिया और यह भावना इतनी प्रबल हुई कि अंबा ने प्रतिज्ञा की कि भीष्म का वध मेरे द्वारा ही होगा। अंबा ने उस शरीर को छोड़ा, महाराजा द्रुपद के घर में जन्म लिया और उसका नाम शिखंडी रखा गया और शिखंडी ने ही भीष्म का वध किया। बदले की भावना वही रही, शरीर बदल गया। किसी में बदले की भावना है, किसी में सहभागिता की भावना है। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम प्रकाश के अनुयायी बनना चाहते हैं या अंधकार के अनुयायी बनना चाहते हैं। सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ज्ञान रूपी तलवार से हमें इनके बंधनों को काटना होगा, तभी हम गुरुदेव में समा सकते हैं। और यह ज्ञान रूपी पथ पर चलना अर्थात साधना करना, ध्यान में गहरा उतरना गुरुदेव की शिक्षाओं के अंतर्गत है, उनकी आज्ञाओं के अंतर्गत है। ये आज्ञाओं से बाहर नहीं है। और जब तक हम अभ्यास नहीं करते ध्यान का, ये संभव नहीं हो पाएगा। पेले जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने कहा Everything is practice, सब कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है। हम अपने रोजाना जीवन में भी देखें, हमें बहुत कामों का अभ्यास है। जिन कामों का हमें अभ्यास है हम वह तुरंत कर लेते हैं, जिनका अभ्यास नहीं है हम उन्हें करने में दिक्कत महसूस करते हैं। भजनों का गाना संगीतज्ञ संगीत का अभ्यास करता है। लिखने को जो लिखारी होते हैं, लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उन्हें उनका अभ्यास है। गाड़ी चलाने का अभ्यास है। तो हर काम में अभ्यास है। और जब तक हमें साधना का अभ्यास नहीं होगा, साधना करने की आदत निर्मित नहीं होगी, हम अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब अंतिम युद्ध हुआ तो गौरी ने छल के साथ पृथ्वीराज चौहान और उसके मित्र जो कि कवि और दरबारी थे चंदबरदाई को अपने साथ गजनी ले गया अफगानिस्तान। वहां पर उसने चौहान को बहुत प्रताड़ित किया, यातनाएं दी और चौहान जी की दोनों आंखें निकालनी, उन्हें अंधा बना दिया। यह देखकर चंदबरदाई को बहुत बुरा लगा। उसने एक युक्ति लगाई, उसने ये नैरेटिव वहां पर फैला दिया कि चौहान जी शब्द भेदी बाण चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर गौरी करतब देखना चाहे तो वह दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त होगी, वह तभी बाण चलाएंगे जब मैं कुछ कविता कुछ पंक्ति का कुछ शब्दों का उच्चारण करूंगा। तो निर्णय हुआ, करतब का स्थान और समय निश्चित हुआ। तो गौरी अपने सिंहासन पर बैठा, सभा लगी, सैनिक आए, लोग आए और चौहान जी को एक घंटे की ध्वनि सुनकर उस घंटे पर बाण चलाना था। और यह शब्द भेदी बाण अर्थात शब्द को सुनकर किसी ध्वनि को सुनकर बाण चलाना। तो समय आ गया, चौहान जी के हाथ में धनुष बाण, घंटा बजाया गया, ध्वनि प्रस्फुटित हुई तो चंदबरदाई ने बोला, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चौहान ने जैसे ही यह सुना, इस दोहे में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वह दूरी के मात्रक हैं, जो बता रहे हैं इस दिशा में इतनी दूरी पर गौरी बैठा है अर्थात सुल्तान बैठा है। जैसे ही यह शब्द सुने चौहान जी ने बाण छोड़ा और वह सीधा गौरी की छाती पर लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इतिहास बनता बनता किस मोड़ मुड़ गया, अभ्यास का परिणाम था। अभ्यास था तो चौहान जी एक तरह से जीत गए। अगर अभ्यास ना होता, प्रैक्टिस ना होती तो इतिहास क्या होता हम कल्पना कर सकते हैं। और हम भी एक इतिहास को जी रहे हैं। ये समय गुजरा, इतिहास की घटना बनी, हम इसको सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन
जब आने वाली पीढ़ियां इस समय का जिक्र करेंगी, गुरुदेव के समय में यह जो परिस्थितियां निर्मित हैं, जिक्र करेंगी इस इतिहास का जो बन रहा है और हम उसे जी रहे हैं, तो निर्भर हमारे ऊपर करता है हम किस श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं, गुरुदेव के प्रिय सेवादार प्रिय शिष्यों की श्रेणी में या फिर किसी और श्रेणी में, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध शुरू होना था, लेकिन उससे पहले युधिष्ठिर ने दुर्योधन की दयनीय स्थिति देखकर दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन, यदि तुम हम पांचों में से किसी एक को भी चुन लो और उसे हरा दो तो मैं तुम्हारी संपत्ति तुम्हें वापस कर दूंगा, सौंप दूंगा। यह बात सुनी जब भगवान श्री कृष्ण जी ने तो वह कुपित हुए और उन्होंने डांटा युधिष्ठिर जी को कि आपने ये निर्णय कैसे ले लिया, क्या आपको पता है दुर्योधन ने 13 वर्षों तक भीम की लोहे की प्रतिमा के साथ अभ्यास किया है, और मैं नहीं यह मानता कि आप नकुल सहदेव और अर्जुन यदि दुर्योधन के साथ गदा युद्ध करते हैं तो जीत सकते हैं। युधिष्ठिर जी एक तरफ बलवान हो और एक तरफ अभ्यासी हो तो अभ्यासी श्रेष्ठ गिना जाएगा, उसने अभ्यास किया है। हमें भी ध्यान का अभ्यास करना है, हमें भी सुमिरन का अभ्यास करना है, और यह हमारी एक अच्छी आदत बन जाएगी। शराबी को यदि कहा जाए कि शराब छोड़ दे तो उसके लिए यह करना मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही अगर जो ध्यान करता है उसे कहा जाए ध्यान छोड़ दे तो वह ध्यान नहीं छोड़ेगा, उसकी बुरी आदत निर्मित है, वह अच्छी आदत निर्मित है। लेकिन वह अगर प्रण कर ले तो अपने इस अवगुण को जो शराबी है छोड़ सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। तो ये सब कुछ हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। मेजर ध्यानचंद जी, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और यह जो चंद नाम उनके पीछे है इसीलिए पड़ा कि वह रात को चांद की रोशनी में अभ्यास किया करते थे हॉकी का। और जब नीदरलैंड में मैच हुआ तो उस मैच के दौरान आयोजकों ने उनकी हॉकी स्टिक तुड़वा कर देखी। क्यों तुड़वा कर देखी? उन्हें लगा शायद मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी में चुंबक लगी है। क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास इतना था, जो गेंद थी वह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी, उनका अभ्यास था। तो जब हॉकी स्टिक तुड़वा कर देखी तो कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि अभ्यास मेजर ध्यानचंद जी के यहां था, उन्होंने अभ्यास किया था। योगानंद परमहंस जी, वह कहते हैं कि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मेरा जो मन था वह फुटबॉल खेलना शुरू कर देता, क्योंकि फुटबॉल खेल मुझे बहुत प्रिय था। तो कहते मैं बहुत परेशान, लेकिन मेरी इस मानसिक आदत ने, मानसिक आदत भी होती है, जो विचारों को, जिन विचारों को हम कर्म में नहीं लेकर आते और जो विचार यहीं पैदा होकर यहीं पर ही समाप्त हो जाते हैं, या मन रूपी समंदर में उठी विचार रूपी तरंग जब उसी में विलीन हो जाती है, तो ये एक मानसिक आदत का हिस्सा है। तो कहते मैं बहुत परेशान, मैं जब भी ध्यान करने बैठूं तो मेरा मन फुटबॉल खेलने लग जाए। लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं ध्यान से उठता नहीं था, मैं ध्यान में अपना समय और बढ़ा देता था। मेरे भीतर दृढ़ इच्छा थी कि मैं ध्यान की गहराई में जाऊंगा, मैं अपने उसी स्रोत के साथ जुड़ूंगा जिस स्रोत से मैं यहां पर आया हूं। तो कहते मैंने ध्यान को गहरा किया और गुरुदेव से प्रार्थनाएं की। परिणाम क्या निकला? मेरी वह मानसिक आदत छूट गई और मैं अपने भीतर गुरुदेव के साथ मिलने लगा, मैं उन अनुभवों को प्राप्त करने लगा। साधको, हम भी जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ मानसिक आदतें हमारी भी होंगी, जिनकी नहीं है बहुत अच्छी बात है,
वह और ध्यान की गहराई में जाए। ये जो हमारी मानसिक आदतें हैं, विचार हैं, मन है जो भटकता है, हम क्या करते हैं, ध्यान से उठ जाते हैं। अगर योगानंद जी चाहते तो वह भी क्विट कर देते कि मन नहीं लग रहा, उठ जाऊं। उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने प्राप्ति की, ध्यान की गहराई की, अभ्यास किया। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब ये ऐसे विचार उठते हैं तो हमें समय बढ़ाना चाहिए, ना कि उठ जाना चाहिए। अगर उठते ही रहे, ध्यान को बीच में ही छोड़ते ही रहे, फिर तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। गुरुदेव कहते हैं, इस सतगुरु लव्स एंड प्रोटेक्ट्स हिज डिसाइपल अनकंडीशनली। द डिसाइपल हु अप्लाइज द मास्टर टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस देम विद सिंसियरिटी एंड सरेंडर्स हिज ईगो एट द लोटस फीट ऑफ मास्टर अलोन अटेन्स लिबरेशन। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। जब एक शिष्य गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का ईमानदारी से, सच्चाई के साथ अभ्यास करता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष कैसा? इन बुरी प्रवृत्तियों के बंधनों से मुक्त होता है। और अपने अहंकार को जब अपने गुरुदेव के चरणों में रख देता है, फिर वह नहीं रहता, गुरुदेव का रूप हो जाता है। तो योगानंद जी द्वारा साझा किया गया यह अनुभव हमें प्रेरणा क्या देता है, वह भी उसी मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। उनके पास भी वही ज्ञान जो ज्ञान हमारे पास, पथ भी वही है, ज्ञान भी वही है। अगर कमी है हमारी दृढ़ इच्छा की, उनमें इच्छा थी मैं ध्यान की गहराई में जाऊं, अगर यह इच्छा हमारे भीतर पैदा हुई और यह हमारी आदत बन गई, तो निश्चित ही हम भी ध्यान की गहराई में उतरेंगे। और कई साधक उतरते भी हैं, गुरुदेव की कृपा है। और वह देखिए योगानंद जी, प्रारंभ में ध्यान नहीं लगा, लेकिन जब ध्यान में पारंगत हुए तो समाधि के अनुभवों को भी उन्होंने प्राप्त किया और समाधि पर कई पुस्तकों की रचना उन्होंने कर डाली। प्रारंभ कहाँ से हुआ और परिणाम क्या निकला? एक अच्छी आदत निर्मित हुई, प्रवृत्ति वह बनी, परिणाम निकला, ईश्वर मिले, गुरुदेव मिले। ईश्वर भगवान स्वयं को सौंपने से पहले अपने भक्त को माया प्रदान करते हैं। वह देखना चाहते हैं कि ये माया के बंधन को काटने के लिए मेरे पास पहुंच पाता है या नहीं, वह मुझे ज्यादा अधिक प्रेम करता है या माया को अधिक प्रेम करता है। और उन्हें तो वही प्राप्त कर पाएगा जो उन्हें ही प्रेम कर पाएगा, उन्हें ही चाहेगा, उनकी ही ख्वाहिश रखेगा। तो यह अभ्यास हमें ध्यान साधना का, सुमिरन का करना होगा। सज्जनों, जब ध्यान हमारा गहरा होगा, फिर हम काम को, क्रोध को, लोभ को जीत पाएंगे, इन्हें जख्मी कर पाएंगे। और एक शत्रु जो साधक का सबसे बड़ा है, जो मानवीयता का दुश्मन है, जो हर एक इंसान का दुश्मन है, साधक के लिए तो यह इतनी रुकावटें पैदा करता है कि बड़े बड़े सयाने भी इसने इस पथ से भटका दिए, और वह नहीं भटके जो गुरु को लक्ष्य साधकर गुरु तक पहुंचने का प्रयास करते रहे। और ये दुश्मन है, ये शत्रु है घमंड, अहंकार, अभिमान। इसे मारना बहुत जरूरी है, इसे जख्मी करना बहुत जरूरी है। ये जख्मी कब होगा? जब एक साधक सुमिरन के तीर इस पर छोड़ेगा, जब साधक ध्यान में गहरा उतरेगा और जो
नाम सुमिरन गुरुदेव ने हमें करना सिखाया है उसका अभ्यास करेगा तो ये जो सुमिरन के तीर हैं, नाभ कमल से पकड़ा हमको दसवां द्वार लंघाया, तो ये जो सुमिरन के तीर अहंकार को लगेंगे ये इसे जख्मी करेंगे। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इन तीन चक्रों में काम क्रोध लोभ रहते हैं, लेकिन जो अहंकार रहता है वह हमारी बुद्धि के पीछे है और इसी वजह से अहंकार बुद्धि को नियंत्रित करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और जो मन है वह इंद्रियों के वश में पड़ा रहता है। इसलिए हम अपने लक्ष्य गुरुदेव तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि बुद्धि हमारी अहंकार के वशीभूत हुई रहती है। तभी हम कहते हैं कि सद्बुद्धि देना हमें ईश्वर, कि अहंकार से हमारी बुद्धि को मुक्त करना, इसका यही भाव रहता है। और यह तभी होगा जब हम सुमिरन का, ध्यान का, साधना का अभ्यास करेंगे। संत कबीर जी का श्लोक है, कबीर एक मरंते दोय मुए, दोय मरंते चार, चार मरंते छह मुए, चार पुरख दोय नार। कबीर यदि एक अहंकार मर गया, घमंड मर गया दोय मुए, तो दो और मरेंगे, राग और द्वेष। राग आसक्ति, द्वेष बदले की भावना। दोय मुए जब यह दो मरेंगे तो चार और मरेंगे। चार और क्या? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और मन। जब यह चार मरेंगे तो छह और मरेंगे, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा। एक अहंकार जब मरता है तो ये इन सभी को लेकर मरता है और ये सभी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सभी अवगुण हैं। अहंकार को मारना इतना जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं, टू हेल्प द डिसाइपल प्रोग्रेस ऑन द पैथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द सतगुरु डायरेक्ट्स द डिसाइपल माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड प्योरिफाइज देम। जब साधक ये प्रयास करता है तो सतगुरु उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। साधक की ये काबिलियत नहीं है कि वह अकेला ही अहंकार को मार सके। गुरुदेव कहते हैं, गुरु साधक की, अपने शिष्य की, सेवादार की सहायता करते हैं। सहायता भी गुरुदेव की तभी मिलती है जब हम खुद प्रयास करेंगे। जब हम खुद प्रयास करते हैं तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि जब वह प्रयास करता है तो गुरु उसके सहायता उसकी करते हैं, तो वह अपने शिष्य की बुद्धि को, उसके मन को शुद्ध करते हैं। गुरुदेव की ये नायाब अदा है, वह इतना वात्सल्य है उनके भीतर, इतनी ममता है हम सभी के प्रति गुरुदेव में। शब्दों में हम उसे बयां नहीं कर सकते, कुछ चीजें शब्दों में बयां हो जाती हैं, लेकिन उनके वात्सल्य को, उनकी ममता को शब्दों में पिरोना असंभव है। हमें प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा, तभी हम गहरे उतर पाएंगे। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर रहें। हे गुरुदेव, हम आपके ही पथ पर चलें, जो पथ अहंकार हमें बता रहा है या जो पथ काम मोह लोभ का है, हम उसका अनुसरण कभी ना करें। कुछ लोगों को तो पथ का ही ज्ञात नहीं है, कुछ लोगों को मंजिल ही नहीं पता, कुछ लोगों के पास दिशा भी नहीं है। हमारा पथ साफ, हमारी मंजिल हमारे गुरुदेव हैं, हमें दिशा भी मिल चुकी है, फिर अब नहीं तो कभी नहीं। जब हम सतगुरु के पथ पर चलेंगे, अर्थात उनकी शिक्षाओं को जिएंगे, उनकी आज्ञाओं में चलेंगे, तभी हम आपस में प्रेम कर सकते हैं,
मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें, सदा चलें, एक दो दिन नहीं, सदैव जन्मों जन्मों तक आपके ही पथ का अनुसरण करें, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर रहें, प्रेम आपस में करें, तभी सभी के साथ रहा जाएगा, सभी के साथ सभी का संग या उनके संगठन में उनके आसपास के माहौल में ढला जाएगा जब गुरुदेव के पथ पर चलेंगे। आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित ना हो। हमारा आचरण सुंदर तभी रह पाएगा जब विचार सुंदर होंगे और विचार ध्यान में ही सुंदर होंगे, अन्यथा नहीं। कर्तव्य से विचलित ना हो। जो हमें सेवा सौंपी गई है उस सेवा से कभी मना ना करें, उस सेवा को बीच में ना छोड़ें, हम विचलित ना हो जाएं अपनी सेवा करते करते। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, हमारी भावनाएं उन्हें छोटा बड़ा बना देती हैं। इस दरबार में वही सेवा कर रहा है जिसे गुरुदेव ने चाहा है। गुरुदेव के दर्शन उसे ही प्राप्त होते हैं जिसे वह स्वयं चाहते हैं। कोई अपनी इच्छा से यहां पर नहीं पहुंचा, गुरुदेव की इच्छा हुई है तो इस दरबार में सभी को सेवा करने का अवसर मिला है। और कुछ कर्तव्य इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा नहीं है, उसमें मान सम्मान नहीं है, उसमें प्रशंसा नहीं है। हम कर्तव्य क्या इसीलिए करें कि उसमें मान सम्मान है, प्रशंसा है, या फिर हमें कर्तव्य इसीलिए निभाना है कि हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं, हम गुरुदेव को चाहते हैं। हमारा कर्तव्य बस यही है कि गुरुदेव को हमने प्रसन्न करना है। महाभारत कहती है, प्रशंसा तो साधक के लिए, एक सेवादार के लिए विष होती है। हमें प्रशंसा मान सम्मान नहीं, हमें तो गुरुदेव की प्रसन्नता चाहिए। आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित ना हो, हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी शापित ना हो। गुरुदेव ने एक बार कहा, मैं किसी को दंड नहीं देता, दंड प्रकृति देती है, मैं तो अवसर देता हूं, मैं तो अनंत संभावनाएं देता हूं कि हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, हर कोई अपनी प्रतिभा को विकसित कर एक उदाहरण बन पाए। मैं दंड नहीं देता, दंड तो उसके स्वयं के कर्म ही देते हैं, प्रकृति देती है। और हम देखें, हमारे ही कर्म हैं जो हमें यहां तक लेकर आए हैं। सूक्ष्म रूप से गुरुदेव की अनंत कृपा ने साथ दिया है। हमारे ही कर्म हैं जो हमें 84 में भटकाएंगे। तो बहुत सार की बात यह है कि कहीं हम अपने ही कर्मों से दंडित ना हो जाएं, हम वही कर्म करें जो कर्म हमें गुरुदेव की भक्ति के साथ जोड़े। भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार लें। कई बार नादानियां, कमियां, गलतियां स्वीकार नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अहंकार है। जब तक अहंकार है यह स्वीकार नहीं करने देगा। जब ध्यान की गहराई में गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करेंगे तो हर कमी स्वीकार की जाएगी। जब कमी स्वीकार ही नहीं होगी तो वह कमी दूर नहीं होगी। कमी दूर नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? विकास नहीं होगा तो मानव जीवन फिर बुरी प्रवृत्ति के अंतर्गत गोते खाता रहेगा, उसके बंधन में बंधा रहेगा। तो स्वीकार करना सीखेंगे तो विकास होगा, और ये विकास हमें गुरुदेव के साथ जोड़ेगा। इसलिए साधको, गुरु प्रेमियों, यह जीवन मिला है, इस जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण हम गुरुदेव की शिक्षाओं में रहकर, उनकी आज्ञाओं में रहकर, उनके प्रत्येक वचन को अपना ध्येय मानकर जिएं, क्योंकि ऐसा अवसर
बार बार नहीं मिलता। गुरुदेव ने एक बार कहा, मेरे और साधकों के बीच में बहुत सारे वायदे होते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं, मुझे निभाने होते हैं और मैं निभाता हूँ। सच है, हमने क्या किस जन्म में उनके साथ वायदा किया है हमें नहीं पता, गुरुदेव को पता है और वे निभाते हैं। एक रिश्ता ऐसा हो जिसका कभी ना अंत हो, और वह रिश्ता गुरुदेव के साथ ही होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी गुरु और शिष्य के रिश्ते में बंधे हैं, और हमारी एक ही चाह हो, गुरुदेव को पाए बिना हमारी कोई चाह ना हो। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय।